नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में युवक पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, दोनों का झगड़ा सुलझाने पहुंचा था, बुरी तरह झुलसा इलाके में तनाव। झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने के बाद गढ़वा में एक युवक को जलाने की घटना सामने आई है। एक युवक दो लोग के बीच का झगड़ा सुलझाने पहुंचा था, इतने में आरोपी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घटना में पीड़ित बुरी तरह से झुलस गया है। मामला गढ़वा जिले के वंशीधर नगर थाना क्षेत्र के चित विश्राम गाँव का है। यहाँ के एक मुस्लिम युवक ने दीपक सोनी पर पेट्रोल छिड़क कर से जिंदा जला देने का प्रयास किया है। पीड़ित दीपक सोनी इस घटना में बुरी तरह से झुलस गया है। युवक का सर और चेहरा काफी जल गया है, उसे इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। घटना के बाद गाँव में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित दीपक सोनी ने बताया कि उसके घर के पास असमुद्दीन अंसारी और एक अन्य व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद सोनी अपने घर से निकले और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। उतने में अंसारी ने सोनी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया और उसे गंदी गंदी गालियां दी और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इससे दीपक बुरी तरह से झुलस गया है। पुलिस घायल के बयान के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीएम सोरेन के बाद भाई बसंत सोरेन की विधायक के खतरे में, चुनाव आयोग ने गवर्नर को भेजी अपनी राय, सबकी निगाही राजभवन पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी का मामला भी राजभवन पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो ECI ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बसंत सोरेन की अयोग्यता के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 9A के तहत अपनी राय भेज दी है। अब राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय पर फैसला लेना है। इससे पहले 25 अगस्त को ही निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अपना फैसला झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दिया था, जिस पर 17 दिन बाद भी राज्यपाल की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बसंत सोरेन के मामले में 29 अगस्त को आयोग में सुनवाई हुई थी। इस दौरान बसंत सोरेन के अधिवक्ता ने आयोग से कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने से जुड़े इस मामले में सुनवाई उचित नहीं है या राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस दौरान भाजपा के अधिवक्ता ने बताया था कि बसंत जिस माइनिंग कंपनी से जुड़े हैं वह राज्य में खनन का काम करती है, ऐसे में यह संविधान के अनुच्छेद 191(1) के तहत राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। रांची में झारखंड बीजेपी की हाई लेवल बैठक, पार्टी के आला नेता मौजूद। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में चल रही इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी और पार्टी के सभी जिलों के अध्यक्ष मौजूद हैं। इस मीटिंग में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र और संगठन मंत्री कर्मवीर मौजूद हैं। इस बैठक में पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़े पर कार्य योजना पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी की बैठक में झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और चल रही घटनाक्रम पर भी चर्चा होगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा का सेवा पखवाड़ा चलना है, इसको लेकर ठोस रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर कार्य योजना पर मंथन किया जा रहा है। JSSC के इन पदों के लिए 30 सितंबर से कर सकेंगे आवेदन, जाने आवश्यक योग्यता। JSSC की ओर से आयोजित की जाने वाली मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में संशोधन किया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर के बदले 30 सितंबर से जमा किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2022 की मध्यरात्रि तक निर्धारित की गई है। JSSC ने तकनीकी कारणों से उक्त संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 1 नवंबर की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। 3 नवंबर की मध्यरात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उद्योग विभाग में मैट्रिक स्तरीय 455 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें कुशल शिल्पी, कीट पालक व अन्य समकक्ष श्रेणी के पद शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि बाद में अन्य विभागों से रिक्तियां मिलने के बाद पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व का नन्हा हाथी मंडल डैम की कोयल नदी में गिरा, रेस्क्यू कर बचा गया।
पलामू टाइगर रिजर्व में मंडल डैम के समीप कोयल नदी में जंगली हाथियों के झुंड से 2 माह का नन्हा नर हाथी पानी पीने के दौरान गिर गया। पानी के बहाव के कारण वह किनारे से दूर नदी में चला गया। झुंड में शामिल हाथियों के द्वारा उसे बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उस नन्हे हाथियों को बाहर निकालने में असमर्थ हो गए तो हाथियों का झुंड उसे वहीं छोड़कर जंगल में चला गया। ग्रामीण द्वारा हाथी के बच्चे को देखा गया। इसके बाद वन विभाग के कर्मियों ने स्थानीय लोगों व CRPF के जवानों के सहयोग से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। हाथी के बच्चे के कान और आंख के पास चोट के निशान देखे गए हैं। इसके बाद उसे मंडल वन विभाग के कार्यालय और देर रात बेतला लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा उसे दूध और केला खाने को दिया गया। चिकित्सकों के द्वारा बेहतर इलाज के जरिए उसे सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस हाथी के झुंड से बिछड़कर बच्चा हाथी नदी में गिरा है, उसकी खोजबीन पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा शुरू कर दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों की टीम अलग अलग क्षेत्र में खोजबीन में लगी हुई है। देवघर में PM आवास नहीं बनाने वाले 1227 लाभुकों से वसूल किए जाएंगे 27.60 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत देवघर के 1227 लोगों को 2,25,000 रुपए के हिसाब से आवास निर्माण के लिए 27.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था, लेकिन अब तक आवास निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। नगर निगम प्रशासन ने लाभुकों की सूची से आवास योजना को रद्द करते हुए राशि रिकवरी वाया फायर करने का निर्णय लिया है। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 612 लाभुकों को नोटिस भेजने का काम शुरू किया गया है। 7 दिन की मोहलत के बाद संबंधित लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मिनी ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 1 की मौत 7 घायल। लातेहार जिला में सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मानिका थाना क्षेत्र में 2 मोहान के पास फिर एक एक्सीडेंट हुआ, जहां NH 75 पर मिनी ट्रक ने सवारियों से लदे एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो पर सवार कमलेश ठाकुर की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार सभी लोग मानिका प्रखंड मुख्यालय के रहने वाले हैं। मानिका प्रखंड मुख्यालय का रहने वाला सुरेश ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ ऑटो पर सवार होकर पूजा अर्चना करने नगर भगवती मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान दुमोहान के निकट विपरीत दिशा से आ रही टाटा मैजिक मिनी ट्रक ने ऑटो को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पर सवार सुरेश ठाकुर के पुत्र कमलेश ठाकुर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं ऑटो पर सवार अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लातेहार पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए तत्काल एम्बुलेंस भेजकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। उच्च शिक्षा सचिव ने कहा, कॉलेजों में शिक्षक नहीं ले रहे नियमित कक्षा। झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में कई शिक्षकों के अनुपस्थित रहने, नियमित कक्षाएं नहीं लेने और प्राचार्य सहित अन्य कर्मचारियों के समय पर उपलब्ध नहीं रहने की शिकायत को उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने सभी राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को सीधे पत्र भेजकर इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने को कहा है। सचिव ने सभी कुलपतियों को कहा कि वह स्वयं के स्तर से संस्थानों का लगातार नियमित औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कक्षाओं व विद्यार्थियों के अन्य जो संबंधित कार्यों का संचालन नियमित रूप से हो, साथ विभिन्न जो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्वयं के स्तर से एक स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम बनाए, ताकि संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण एवं जो एकेडमिक अनुशासन की जो है विश्वसनीयता बनी रहे। दुमका के बासुकीनाथ में 3 माह से नहीं मिला राशन, कार्डधारियों ने जरमुंडी थाने के पास किया प्रदर्शन। राशन कार्डधारियों का पिछले 3 माह का अनाज डकार लिए जाने के विरोध में खरबिला पंचायत के ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट गया। डीलर पर कार्रवाई की मांग करते हुए जरमुंडी थाने व प्रखंड कार्यालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। नया फेटका के डीलर राजकुमारी देवी व उसके पुत्र राजेंद्र शाह के द्वारा जून, जुलाई और अगस्त का राशन डकार लेने का आरोप कार्डधारियों ने लगाया है। आरोपी डीलर पर नियम संगत कार्रवाई करने एवं संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों का अनाज दूसरे डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इधर DSO ने कहा है कि ग्रामीणों की शिकायत पर जाँच दल का गठन कर आरोपी की सत्यता की जाँच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डोरंडा कॉलेज में प्रोफेसर से मारपीट पर आक्रोशित शिक्षकों का प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग। राजधानी रांची के डोरंडा कॉलेज में प्रोफेसर से मारपीट की घटना के बाद कॉलेज के शिक्षक अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर शनिवार को आक्रोशित शिक्षकों ने कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलेज गेट के सामने सभी प्रोफेसर एक साथ इकट्ठा होकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि प्रोफेसर की पिटाई करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
बोकारो में 10 लाख की चोरी का खुलासा। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। एक फरार निजी बैंक के एजेंट से कलेक्शन के 10,58,000 रुपए से अधिक की हुई चोरी का खुलासा कर लिया गया है। बोकारो पुलिस ने कांड का उद्भेदन करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम नकुल महतो और पिंकी देवी हैं। दोनों पति पत्नी हैं, जबकि एक और महिला आरोपी संगीता देवी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूरे मामले की जानकारी चास जो है SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने दी है। चास SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया है कि 31 अगस्त की शाम करीब 6:15 पर प्रकाश कुमार सिन्हा उर्फ जो है पापे निजी बैंक के कलेक्शन का 10,58,000 रुपए लेकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच वो जोधाडी मोड़ मछली बाजार के सामने रोड पर ऑटो से टकराकर गिर गया, जिसे मोटरसाइकिल की हैंडल में रखा उसका रुपयों से भरा बैग गिर गया, जिसके बाद प्रकाश उठा और बाइक लेकर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद ही उसने देखा कि गाड़ी के हैंडल में बैग नहीं है, जिसके बाद वह वापस उस जगह पर गया जहां वह गिरा था, पर रुपयों से भरा बैग वहां नहीं था, जिसके बाद उसने खोजबीन शुरू कर दी लेकिन पैसे नहीं मिले। मामले को लेकर जो है पीड़ित प्रकाश कुमार सिन्हा ने चास थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। देवघर एम्स में 500 बेड के अस्पताल का काम तेजी से, अक्टूबर में होगा तैयार। देवीपुर एम्स परिसर में सभी भवनों का काम तेजी से चल रहा है। 250 बेड का अस्पताल चालू होने के बाद शेष 500 बेड का अस्पताल कार्य तेजी से चल रहा है। NBCC को अक्टूबर में 500 बेड का अस्पताल का काम पूरा करना है। उस अनुसार अस्पताल में इंटरनल वर्क के साथ साथ जो है फसाड़ व ग्लास वर्क किया जा रहा है। अस्पताल के अंदर फर्श व सीलिंग का वर्क हो चुका है। एम्स के प्रवेश द्वार व गार्ड रूम में बालू की वजह से सीलिंग वर्क में थोड़ी देरी तो हुई, लेकिन एम्स निदेशक के निर्देश पर काम बंद नहीं किया गया व तेजी से वर्क पूरा किया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।